मैनेजर थे वहाँ, 13 लाख समथिंग का गवर्न हुआ। रिकवरी इनकी जब टर्मिनेशन सेटिसाइड हो गया तो ये क्यों दोषी माने जाएंगे? नो, क्रिमिनल केस में तो आप कन्विक्शन हो नहीं सकता। डेथ हो गई उनकी, कन्विक्शन हैज बीन सेटिसाइड बाय द हाई कोर्ट, नाउ नो लिबर्टी हैज बीन ग्रांटेड टू यू, हाउ कैन यू बी विथड द अमाउंट ऑफ द 50%? हाँ जी, आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेनिफिट, अब वो रिकवरी ऑर्डर जो है वो जी, अगर ये हार जाएंगे पिटीशन, आपको ये पैसा जमा करेगा, क्यों नहीं दोगे आप? मलट, इन दिस केस मलट, टर्मिनेशन ऑर्डर ऑफ द ओरिजिनल पिटीशनर वाज पार्ट मलट अगेंस्ट व्हिच द पिटीशन वाज प्रिफर्ड बिफोर दिस, वो डेथ होगी उनकी, वो ही डाइड ड्यूरिंग पेंडेंसी एंड देन प्रेजेंट पिटीशनर इज द वाइफ ऑफ द ओरिजिनल एम्प्लॉय, यस यस, एंड पिटीशन वाज अलाउड बाय दिस ऑनरेबल कोर्ट, और कोर्ट ने कहा कि उसका जो ड्यूज था वो दिया जाए, तो 50% ड्यूज इन्होंने दे दिया, 50% ड्यूज अभी तक हमको मिला नहीं। 50% इसलिए रोके हैं कि एम्बेजलमेंट का केस था, और जो रिकवरी होना था, रिकवरी का अवार्ड है हमारे फेवर में, वो पिटीशन पेंडिंग है, तो रिकवरी रिकवरेबल अमाउंट जो है वो 50% हम रोक के रखें। एक बात बताओ, रिकवरी काय की है? एम्बेजलमेंट का केस था, ये बैंक में वो थे, मैनेजर थे वहां, 13 लाख समथिंग का गबन हुआ, उसकी जांच हुई, दी हुई जांच में पाया गया कि इनके द्वारा टर्मिनेशन ऑर्डर चैलेंज किया गया। हाँ, टर्मिनेशन ऑर्डर सेटिसफाइड हो गया, टर्मिनेशन ऑर्डर सेटिसफाइड हो गया, मगर जो अवार्ड हुआ है, अवार्ड कौन किया है? कोऑपरेटिव ट्रिब्यूनल। और भाई एक मिनट, हम समझ रहे हैं भाई, समझ रहे हैं, ये जब रिकवरी इनकी जब टर्मिनेशन सेटिसफाइड हो गया तो ये क्यों दोषी माने जाएंगे? टर्मिनेशन ऑर्डर, इन्होंने टर्मिनेशन ऑर्डर अलग चैलेंज किया है, और समझ गए, हाँ, ये तो टर्मिनेशन ऑर्डर की तो कंप्लायंस में हो रहा है ना, वो क्रिमिनल क्रिमिनल केस में टर्मिनेशन, नो, क्रिमिनल केस में तो आप कन्विक्शन हो नहीं सकता, डेथ हो गई उनकी, अब ये तो टर्मिनेशन जो था वो भी सेटिसाइड कर दिया हाईकोर्ट ने, नहीं तो जो इनका रिकवरी का अवार्ड है वो ये चैलेंज किए हैं, वो पिटीशन ऑलरेडी पेंडिंग है, कहाँ है वो? ये WPS इनकी फाइल है 355122, वो नॉन प्रोसिक्यूशन में वो मिलट, और जो क्रिमिनल केस ये बता रहे हैं उसमें हमको चार्ज की स्टेज पे डिस्चार्ज कर दिया गया क्योंकि हमारे द्वारा कोई एम्बेजलमेंट नहीं किया। अरे हमको वो सब, हमको ज्यादा इधर नहीं मत दिया, आप ये लगाओ, ये देखिए 14 नंबर के पेज पड़ी है, फॉर दी सेटिसफाइड दी टर्मिनेशन ऑर्डर एंड रजिस्टर हो गया, फिर ये डाइड हो गया, फिर ठीक है, दी पिटीशनर ऑर्डर टू बी एंटाइटल टू ऑल दी कॉन्स्टिट्यूशनल बेनिफिट एंड दैट वुड फ्लो टू द पिटीशनर ऑन द टर्मिनेशन ऑर्डर गेटिंग सेटिसफाइड क्वेस्ट, है ना? अब ये जब क्वेस्ट हो गया है तो आपको सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बेनिफिट देना है, अब दे दीजिए, तो जो रिकवरेबल अमाउंट है वो हम रोके हैं, उसके लिए आपको अलग प्रोसीडिंग, मिस्टर काउंसिल, नो, वो ऑर्डर ये चैलेंज करके रखे इनके, नो, दैट हैज नो रिलेवेंसी, नथिंग नोइंग भाई, आपको रिटायर्ड ड्यूज का जो बेनिफिट है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेनिफिट है पूरा दीजिए, रिकवरी की जो बात है वो रिकवरी किस बात के लिए हो रही है? जो गबन की राशि है उसके, गबन की राशि के लिए क्रिमिनल केस था, क्रिमिनल इनकम, सुनिए ना, जरा समझने का प्रयास कीजिए, डोंट मेक सबमिशन विद अ क्लोज माइंड, हो सकता है आई मे बी रॉन्ग, एंड आई होप आई मे बी रॉन्ग, नो डिफिकल्टी, बट प्लीज टेल मी कि व्हाट इज द लॉ, ही हैज बीन पनिश्ड फॉर सर्टेन फाइनेंशियल इररेगुलरिटीज, दैट एक्शन ऑफ योर बैंक हैज बीन सेटिसफाइड बाय द हाई कोर्ट, ही हैज बीन डायरेक्टेड टू बी रीइंस्टेटेड, और व्हाट एवर द रिकवरी, रिकवरी वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर पनिशमेंट ऑर्डर, Where the punishment order shows? Punishment order बताइए, होगा उसमें recovery part, होगा उसमें 100% उसके part होगा भाई, ये अलग कुछ है। अरे original record दिखाओ तो पंडित जी, आप लोग मत बताओ, हम पता कर लेंगे, देखिए उसके पी जो उसमें, इनको फाइल दे दीजिए, फाइल है आपके पास? जी मैम, वो ट्रायल कोर्ट वाली जो मैंने, अरे भाई जो रिट पिटीशन में आप टर्मिनेशन को चैलेंज किए थे ना जी, उसके ऑर्डर को पढ़िए, टर्मिनेशन का ऑर्डर क्या था इनका? मैम इंक्लूड ऑर्डर है
P1 था नेक्स्ट P1 कि द्वितीय अपील संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं प्रकरण क्रमांक 100 एंड 100 ओरिजिनल टर्मिनेशन का ऑर्डर बताइए 2007 पहला ऑर्डर टर्मिनेशन ऑर्डर इज माय लॉर्ड हां बताइए जी जी इसकी टाइप करती है यही तो है मैंने पूरा पढ़ते हूँ नहीं नहीं ऑपरेटिव पार्ट बता रहा हूँ रिकवरी का पार्ट लास्ट में है आरोपी श्री आर आर त्रिपाठी को जांच प्रतिवेदन प्रतिप्रेषित कर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु 23/12/5 को उपस्थित होने की सूचना क्रमांक 100 भेजा गया था। आरोपी व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित हुए। कमिटी द्वारा उनसे पूछताछ किया गया। जांच के समय उन्हें पूर्ण अवसर बचाव हेतु दिया गया। कमिटी द्वारा उन्हें पूछा गया कि उन्हें अपने बचाव में कुछ और कहना है या कोई रिकॉर्ड अवलोकन करना है। त्रिपाठी द्वारा लिखित आवेदन प्रस्तुत करने का निवेदन किया गया कि गबन उनके द्वारा नहीं किया गया है, गबन कैशियर श्री पंकज साहू द्वारा किया गया है। कमिटी द्वारा समस्त दस्तावेजों विभागीय जांच रिपोर्ट तथा कार्यालयीन टिप का अवलोकन किया गया। चूंकि त्रिपाठी पर लगाए गए आरोप प्रमाणित पाए गए हैं, न्यायालयीन रिकॉर्ड से प्रमाणित है, अतः कमिटी द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि श्री आर आर त्रिपाठी को शाखा प्रबंधक की सेवा से पदच्युत किया जाता है। आदेश दिनांक से इनकी सेवाएं समाप्त की जाती है। साथ ही निर्णय लिया गया कि आर आर त्रिपाठी को निलंबन अवधि में भुगतान किए गए निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त अन्य कोई राशि पाने की पात्रता नहीं होगी। ठीक आप ये बताओ रिकवरी की आप इनसे क्यों करोगे? रिकवरी का अलग से आदेश हुआ कि ये प्रूफ पाया गया कि इनके द्वारा किया गया उसके बाद हम नो भाई रिकवरी हैज बीन सेट असाइड दिस पनिशमेंट ऑर्डर हैज बीन सेट असाइड पनिशमेंट ऑर्डर सेट असाइड फिर हाँ जी आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेनिफिट अब वो रिकवरी ऑर्डर जो है वो जी अगर ये हार जाएंगे पिटीशन आपको ये पैसा जमा करेगा क्यों नहीं दोगे आप तो हम अरे भाई जब अवार्ड तो हमारे फेवर में ना अवार्ड कहाँ का अवार्ड उसमें कोई स्टे थोड़ी ना है मिस्टर कौशिक कहाँ का अवार्ड है वो क्रॉप एक्टिव टर्मिनल का है क्या बताइए ऑपरेटिव पार्ट पढ़िए ऑर्डर का रिकवरी का कहाँ उसमें किया उसने आर आर त्रिपाठी के खिलाफ ऑर्डर किया कि रिकवरी का है ना उपरोक्त किए गए विचनाओं के आधार पर अध्यक्ष न्यायालय उप पंजीयक सहकारी संस्था राजनाथ गांव पारी आदेश आलोच आदेश दिनांक 30/3/13 को इस संशोधन के साथ पुष्टि की जाती कि प्रतिवादी क्रमांक 1 श्री पंकज साहू कैशियर में प्रतिवादी क्रमांक 2 आर आर त्रिपाठी तथा शाखा प्रबंधक से मूल गबन राशि 13,90,690 पर वाद प्रस्तुति दिनांक से 26/7/2001 से राशि पटाते तक 18% वार्षिक ब्याज की दर से तथा प्रतिवादी क्रमांक 3 श्री मदन सिंह ठाकुर तथा भृत्य एवं प्रतिवादी क्रमांक 2 आर आर त्रिपाठी तथा शाखा प्रबंधक से मूल गबन राशि 21,720 पर वाद प्रस्तुति दिनांक से 26/7/2001 से राशि पटाते तक 18% वार्षिक ब्याज की दर से समान रूप से वसूल किया जाए। वादी प्रतिवादी क्रमांक 1-2 एवं प्रतिवादी क्रमांक 3 की चल एवं अचल संपत्ति के नियमानुसार कुर्की एवं नीलामी से करने के लिए सशक्त किया जाता है। अपीलार्थी श्री मदन सिंह एवं दिस वॉज चैलेंज बिफोर द कॉम्पिटिटिव ट्रिब्यूनल एंड ड्यूरिंग पेंडेंसी हाईकोर्ट में आयो क्या नहीं वो नॉन प्रोसिक्यूशन में खारिज हो गया वो तो क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी तो रेस्टोरेशन के लिए हम आए हुए हैं कि हमको वहां अपॉर्चुनिटी दिया जाए वहां रेस्टोरेशन का प्रावधान नहीं है क्या नहीं था तो इसलिए हमने यहाँ ये कौन सी डिसीजन हो गई हमने रेस्टोरेशन लगाया उसको भी ये बोल के खारिज किया कि आपका विलंब से पेश हुआ एक साल बाद क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी हमने रीजन अच्छा कितना पैसा दे दिया आपने इनको अभी तक हमने हाफ ऑफ द अमाउंट दे दिया जो टोटल इनका अमाउंट है 8 लाख समथिंग दिया 8,86,910 रुपए हम उनको पेमेंट कर चुके क्रिमिनल केस में मैलट हमको चार्ज की स्टेज पे अरे भाई वो सबसे हम जान ही हमको आपको रिकवरी का जो उन्होंने किया है जी रिकवरी को तो आपके खिलाफ अभी खड़ी है रिकवरी जब तक वो सेट असाइड नहीं होगी जी और एक कंटेंप को डिस्पोज आप करते यू डिसाइड दी रिकवरी पिटीशन उसको जल्दी डिसाइड करा ली परसों दी रिकवरी द लर्नेड काउंसिल फॉर द बैंक वुड सबमिट दैट दी दे हैव ऑलरेडी कंप्लाइड दी ऑर्डर पास बाय दिस कोर्ट एज दी रिटायर्ड ड्यूज टू द एक्सटेंट ऑफ 50% हैज बीन पेड एंड रिमेनिंग हैज बीन विथहेल्ड एज दी रिस्पोंडेंट प्रेजेंट द डिसीज्ड हस्बैंड इज हस्बैंड The deceased employee of the bank, Mr. R. R. Tripathi, is
was subjected to recovery by the tribunal and that order is pending consideration, final adjudication before the tribunal or before the appropriate forum. As such, this amount has been withheld. Considering the submission that the degree of the court, the public tribunal has been passed against the deceased RR Tripathi, and the contempt proceeding is disposed of, granting liberty to the petitioner to pursue the remedy to challenge the recovery order passed by the tribunal before appropriate forum. If it has not been challenged, or if it is been challenged, to pursue the same. Ma'am. With this observation, contempt proceeding disposed. Okay.